मॉर्निंग माय लवली व्यूअर्स, मेरी प्यारी सहेली और मेरे सब्सक्राइबर्स को शिवानी का प्यार भरा नमस्कार। भाई ये क्या है, आज ये क्या लिख के आई शिवानी? ये है स्ट्रॉबेरीज और ये है बॉइल्ड पीनट्स। आज मेरे किचन में बन रहा है एक हेल्दी वेट लॉस डायबिटिक फ्रेंडली सलाद की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ फर्स्टली तो एक स्ट्रॉबेरी सैलेड एंड सेकेंड सैलेड बनेगा अपना बॉइल्ड पीनट्स का। तो कुछ तारीफ की बातें मैं स्ट्रॉबेरीज के बारे में कर देती हूँ। ये जो आपको स्ट्रॉबेरीज दिख रही हैं, ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, एंड विटामिन सी से लोडेड होते हैं। जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं, दे हेल्प कर्ब इन्फ्लेमेशंस एंड मैनेजेस योर ब्लड शुगर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स एंड डायबिटीज। तो हमारी प्यारी प्यारी रेड स्ट्रॉबेरीज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं खाने के। अब पीनट्स के बारे में तो सभी जानते हैं, गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है, हाई इन प्रोटीन। तो आज मिलके हम लोग बनाएंगे दो वेट लॉस हेल्दी डायबिटिक फ्रेंडली सैलेड्स की। तो बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं बनाने लग रही हूँ हमारी स्ट्रॉबेरी का सैलेड। तो जो मेन काम होता है स्ट्रॉबेरीज का, हाउ टू प्रॉपरली वॉश द स्ट्रॉबेरीज। तो हम जब मार्केट से स्ट्रॉबेरीज लेके आते हैं पैकेट्स वाली, उनको क्या करना है, फर्स्टली पानी में रखे और एक ढक्कन उसमें डालना है सिरके का। जी हाँ, और 15 से 20 मिनट तक को आपको इसको स्ट्रॉबेरीज को उस सिरके वाले पानी में छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको रिंस करना है कपल ऑफ टाइम्स। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर बहुत ही ब्लैक कलर के रेसिड्यू होते हैं, तो उनको साफ करना बेहद जरूरी है। तो इसको अच्छे से फिर 5-6 पानी से साफ करने के बाद ही उसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप पे, जो मैं आपको दिखाऊंगी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे जो है वो स्ट्रॉबेरी सैलेड में जाएंगे। चलिए अब अपना पहला सैलेड बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्ट्रॉबेरी का सैलेड। तो स्ट्रॉबेरी के सैलेड बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये वो सारी स्ट्रॉबेरीज वॉश करके और उसको अपने मिक्सिंग बाउल में जो है वो कट कर लिया स्क्वायर्स में। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि व्हाट ऑल द अदर थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी एडेड इन द स्ट्रॉबेरी का सैलेड। तो इसमें है पीली, हरी और लाल शिमला मिर्च काट के रखी है मैंने स्क्वायर्स में। ये है बारीक कटा हुआ खीरा, कम्बर, ये है अनार जो कि मैंने छील के रखा हुआ है, बारीक कटी हुई धनिया और ये बारीक कटा हुआ पुदीना। ठीक है, ये एक ड्रेसिंग तैयार की है मैंने, जिसमें की है 2 नींबू का रस, मिक्स्ड हर्ब की सीजनिंग, थोड़ा सा शहद है ऑर्गेनिक वाला, नो शुगर वाला, और इसमें है थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। तो ये सारी चीजें क्लब अप करके मैं अपने मिक्सिंग बाउल में डाल के मिक्स करूंगी। और नमक अभी हमें ऐड नहीं करना है, नमक हमें लास्ट में जब सर्व करने जाएंगे तब ऐड करना है।